गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ टू डिवाइड द बाय, बाय को कैसे डिवाइड किया जाता है. एन अपॉन टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम एंड द नम एन बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बाय. एन बी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ बाय. बाय कितनी है एन बी. अगर एन है तो नंबर ऑफ टीम. अगर मैच में या कोई पिक्चर में आपको बाय मिलती है या दिखाई देती है तो उसमें आपको नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ नंबर ऑफ बाइस एन बी माइनस वन अपॉन टू और लोअर हाफ में बाई होती है एन बी प्लस वन अपॉन टू. द बाई विल बी गिवन इन अपर हाफ एंड थ्री बाई इन लोअर हाफ. टू बाई अपर हाफ में और थ्री बाई लोअर हाफ में. दो बाई अपर हाफ में दी जाएगी और टू बाई थ्री बाई लोअर हाफ में. अब देखना है कि बाई किसको दी जाती है. जो लास्ट ईयर की विनर टीम और रनर अप टीम होती है उनको मैक्सिमम बाई दी जाती है. मतलब उन्हीं को ही बाई दी जाती है, ना कि एक जो लूज टीम है या हारी हुई टीम है या अच्छी टीम नहीं है उनको बाई नहीं दी जाती, क्योंकि उनको फिक्चर में इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है जिससे कि रोमांचक मैच लगे और दर्शकों को अच्छी प्रकार से दर्शकों का अच्छा इंटरेस्ट बने मैच देखने में. जैसे कि हमारे पास पिक्चर में 11 टीम है. 11 टीम में तो कितने राउंड होंगे बच्चा बच्चों. हमारे 11 टीम में 4 राउंड होंगे. अगर हमारे पास 16 से अबव ज़्यादा टीम होंगी तो उसमें हमारे राउंड होंगे 5 और उससे ज्यादा 32 से ज्यादा होंगे तो रन होंगे हमारे 6. 2 की पावर देखनी हमने कहां तक मैच करती है 2 की पावर. अब इसमें 11 टीमों का फिक्चर है, 11 टीमों का मैच कराने हैं हमने. तो नंबर ऑफ बाइस पहले कितनी बाई आएंगी इसमें 2 की पावर देखनी है. 2, 4, 8, 16, 32. अगर टीम हमारी है 16 से कम, 16 से अगर टीम हमारी 16 से कम है तो 16 माइनस जितनी भी टीम है हमारी उसको माइनस कर देंगे तो उतनी टोटल हमारी बाई आएगी. और बाई प्रदर्शित करती है, बाई को रिप्रेजेंट करते हैं एन बी और टीम को एन. ये हमेशा याद रखना है. अब इसमें फिक्चर में आपके 4 राउंड होते हैं और इसमें टीम जो लास्ट ईयर की विनर टीम है और रनर अप टीम है इनको अलग अलग हाफ में या अलग अलग पुल में डाल दिया जाता है जिससे कि वो फर्स्ट राउंड में आपस में मैच ना हो उनका. जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 तक ये टीम बनाई हुई है हमने. तो इसमें फर्स्ट बाई टोटल बाई देनी हमने 5 और बाई हमारे पास है 5. टोटल बाई देनी हमने 5. तो पहले सबसे पहली बाई आएगी हमारी 11 टीम को, लोअर हाफ की लास्ट टीम को.
सेकंड बाई आएगी हमारी फर्स्ट टीम को अपर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसमें, फिर थर्ड बाई आएगी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को सेवन है, और फोर्थ बाई आएगी अपर हाफ की लास्ट टीम को, और फिर फिफ्थ बाई आएगी हमारी, पांचवी बाई आएगी हमारी पांचवी बाई आएगी हमारी लोअर हाफ की सेकंड टीम जो 10 नंबर पे है, और ऐसे ही हम बाई देखते चले जाएंगे, जितनी भी बाई होंगे हमारी टीम में उतनी बाई देखते चले जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, तो यही सबसे पहले लोअर हाफ की लास्ट टीम, अपर हाफ की फर्स्ट टीम, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम और अपर हाफ की लास्ट टीम को ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएंगे। तो मैच हुए हमारे टोटल मैच 11 टीम है, टोटल मैच होंगे हमारे इसमें 10 नंबर ऑफ टीम, जितनी भी टीम है n-1, n प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम कितनी हमारी 11, 11 में से एक माइनस कर देंगे तो क्या होंगे मैच होंगे हमारे 10। तो देखिए फर्स्ट राउंड में 3 मैच है, सेकंड राउंड में 1, 2, 3 और 4 मैच है, और थर्ड राउंड में 2 मैच है, टोटल मैच हमारे 10 ही होते हैं। ये फिक्चर बना है 11 टीम का जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जो भी एफ और के में से जीतेगा उसे फाइनल घोषित या विनर घोषित कर दिया जाएगा, और जैसे एफ विनर है तो के रनर अप है, और जो सी और ये आई रहता है इनका थर्ड और फोर्थ के लिए मैच होगा जो कि वो अलग होगा, थर्ड फोर्थ पोजीशन के लिए इसमें होता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। सीडिंग, सीडिंग एक टीम, सीडिंग एक टीम जनरली इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट द फिक्चर इज ए ड्रा बाय लॉस्ट इफ द ड्रा इज प्योरली ऑन द बेसिक ऑफ लॉस्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ द टीम इट इज द लाइकली दैट टू स्ट्रॉन्ग टीम कैन मीट with each other in earlier round and get eliminated, so the weak team get chance to reach to quarter final of semi final stage, to avoid this defect the strong team are seeded, seeding is from you strong team or seeded. Seeding is the strong of the team and fitting them in the picture so that the stronger team do not meet each other in the earlier round. This method is good if we know the real strong team, so it become duty of the organizer to find out of the real strong team.
from the previous tournament for old record. नॉकआउट खेल प्रतियोगिता में प्राय पिक्चर पर्चियां निकाल कर किया जाता है। यदि ड्रा पूर्ण रूप से पर्चियों के आधार पर निकाला जाता है और टीमों के स्तर पर कोई विचार नहीं किया जाता तो यह संभावना प्रबल होती है कि दो मजबूत टीमें पहले राउंड में ही टकरा जाए और बाहर हो जाए। इस प्रकार कमजोर टीमों को यह अवसर प्राप्त हो जाता है कि वे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल चरण तक पहुंच जाए। इस दोष को दूर करने के लिए मजबूत टीमों को सीडिंग दी की जाती है। सीडिंग द्वारा टीमों को छांटना होता है और उन्हें फिक्चर में इस प्रकार से रखा जाता है कि मजबूत टीमें एक दूसरे के साथ प्रारंभिक राउंड में न भिड़े। सीडिंग में यही होता है कि मजबूत टीमें प्रारंभिक फर्स्ट राउंड में न भिड़े, आपस में न भिड़े, जिससे आपस में न भिड़े, और इसलिए यह प्रबंधों का कर्तव्य बन जाता है कि केवल पहली खेल प्रतियोगिता या पुराने रिकॉर्ड से वास्तविक मौजूद टीमों को चिन्हित करे, जो पहले खेल हैं उनसे चिन्हित करे कि भई ये टीम कौन सी टीम मजबूत टीम है और कौन सी नहीं। मेथड ऑफ सीडिंग, सीडिंग की विधि। इफ टू टीम आर टू बी सीडेड देन विनर ऑफ द प्रीवियस टूर्नामेंट विल बी placed at the bottom of lower half and the second team on the top of upper half. If four teams are to be seeded, then first and second will be on same place as maintained above in third round. The previous tournament will be placed on the top of lower half and fourth team on the bottom place in upper half. Seeding की विधि। अगर दो टीमें की सीडिंग दी जानी है तो पिछले टूर्नामेंट के विजेता को निचले हाफ दूसरे नंबर की टीम को ऊपरी हाफ में शीर्ष पर। अगर चार टीमें की सीडिंग की जानी है तो पहली दो टीमों को जैसे ऊपर बताया गया वैसे ही रखा जाएगा और पिछले टूर्नामेंट को की तीसरे नंबर की टीम को निचले हाफ के शीर्ष पर और चौथे नंबर की टीम को ऊपरी हाफ के सबसे नीचे सीडिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 11 टीमों के लिए सिंगल नॉकआउट फिक्चर जिसमें चार टीमों को सीडिंग दी गई है। देखिए, नंबर वन, नंबर टोटल नंबर ऑफ टीम 11, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ एन प्लस वन, 11 + 1 12, तो अपर हाफ में आएंगे हमारी टीम 6 और लोअर हाफ में n माइनस 1, नंबर ऑफ टीम 11 - 1 10 5। तो फर्स्ट सबसे पहले सीडिंग क्या दी है, फर्स्ट टीम को दी गई है, फिर सबसे पहले इलेवन टीम को सीडिंग दी गई है नंबर, फिर फर्स्ट सेकंड सीडिंग अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड सीडिंग लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को और अपर हाफ की लास्ट टीम को ये सीडिंग दी गई है, जो कि सेकंड राउंड में ही खेलेंगे जाके, उससे पहले इनका कोई मैच नहीं होगा स्पेशल सीडिंग में। पहले क्या मैच हुआ, के और नंबर 2 और 3 का, 4 और 5 का, आगे 8 और 9 का। तो उसके बाद जब ये मैच होगा सीडिंग वाला, तो इसमें ई और जे में से जो जीतता है उसके साथ मैच होगा। बी जो 10 का
और चीटिंग जो 11 है इनमें से मैच जो होगा उससे के पास जितने मैच होगा उसके पास, फिर इधर अपर हाफ में ए और एच, ए जीतती है जी और सी का, सी जीतती है तो इनमें ए और सी का मैच तो ए जीतती है, और इधर बी और ई का मैच तो बी जीतती है। इनमें से जो भी विनर होती है, ए विनर या बी रनर अप, तो ये रिजल्ट निकाला जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस।